आपने शब्द यूज किया अद्वैत, ये क्या होता है जी? अद्वैत वेदांत, अब देखिए इसको समझने के लिए तो मैं सरल भाषा में कहूं तो अद्वैत का मतलब कि एक ही है, मतलब जो हम सोचते हैं कि हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, या फिर थोड़ा और ऊंचे स्तर पे जाते हैं जब हम समझते हैं अपने वेदांत दर्शन को, तो मानते हैं कि दो हैं, मतलब कि मैं अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंसर हूँ, और बाकी ये सब जो मुझे हो रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं। पर अद्वैत का मतलब कि एक्सपीरियंसर और जो ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं माइंड के, बॉडी के, और ये जो भी संसार दिख रहा है वो भी दो नहीं है, वो भी क्या है, एक ही है। यानी कि जो अस्तित्व है, यूनिवर्स है, वो खुद ही खुद का अनुभव कर रहा है, ये अद्वैत है। अद्वैत का मतलब ये है कि दो नहीं है, एक ही है। एक कहना, एक कहना भी गलत है, बस दो नहीं है, क्योंकि एक जैसे ही कहते हैं तो फिर वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि एक है कि दो है, तो सिर्फ यही कहा जाता है कि दो नहीं है, अद्वैत इसीलिए कहा गया है। इसी को शायद कैवल्य भी बोलते होंगे। जी, कैवल्य अवस्था थोड़ा सा इसे, हाँ कह सकते हैं, लेकिन कैवल्य अवस्था इसे थोड़ा सा अलग इसको समझ सकते हैं, कि कैवल्य वो है जिसके सारे भेद, जिसकी दृष्टि में सब कुछ समाप्त हो गया है, और मतलब जहाँ पर मैं भी नहीं है, कि जो वो जो लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ये हूँ, वहाँ पे मैं भी हट गया है, सारे भेद सब कुछ उसका अहम पूरी तरह से गल चुका है, और वह सिर्फ अस्तित्व से, यूनिवर्स से एकाकार हो गया है, वो कैवल्य अवस्था है, आनंद की अवस्था, जहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है, मतलब